बोलो सतगुरुदेव की जय हो। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। सच साहिब, यदि आपने श्लोक टीवी 24 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि हर वीडियो मिले आपको सबसे पहले। अब जैसे ये कथाएं सुनाई जाती थी, ये कैसे प्रारंभ हुई कथाएं सुनाना? ये कथाएं सुनाना प्रारंभ न्यू हुई कि इनसे लाभ होता था, और जैसे फिर इन अनजान लोगों ने ये कथा सुनानी कर दी शुरू, और वो वास्तविक विधि वो मंत्र इनके पास था नहीं, मीठी मीठी बात बना के बढ़िया बढ़िया कथा सुना के कभी रोवे कभी गावे कथा सुनावे, आत्मा ने तो अपने परमात्मा की वाणी अच्छी लागे लगेगी, तो इस करके उन लोगों की प्रभुता बन गई। बहुत बढ़िया सुरीली आवाज से गाता है, क्या बात कही, ऐसी कथा वाचक हमने देखा ही नहीं, उसके नंबर बन गए और वो हिट हो गया और दुनिया उससे कथाएं कराने लगी और पूरी आत्मा अपना जीवन व्यर्थ करने लगी। अब जैसे ये नीम हकीम का काम है, आपको भयंकर बीमारी है और ग्लूकोज चढ़ा दी डॉक्टर ने, ट्रीटमेंट किया कोई ना, दवाई दी नहीं, ग्लूकोज ठोके गया, वो कितनी देर चलेगी? ग्लूकोज से कितने समय तक प्रोटेक्शन शरीर का हो सकता है? तो ये जो कथाएं हैं ये समझो ग्लूकोज है, और साथ में ये अन्य जो नाम दिया जाता है ये इसका वास्तविक ट्रीटमेंट है। तो ये कैसे हो गया कि इन लोगों ने मीठी मीठी बात बनानी शुरू कर दी, भोली आत्मा आज मारे आइए, अब के जी हमारे कथा करना, तू उसका एड्रेस नोट कर लेते, उससे जाकर मिलते जी, हमारे गांव में भी कथा करियो, हमारे शहर में भी करना, उस नादान की उस मीठी बात बनाते या कथा कथा करके उसकी महिमा बनगी और दोनों नरक के भागी। अब ये इसलिए बातें बनी, ऐसे ये कथाएं भी न्यू प्रचलित होगी। एक गांव में एक कथा कर रहा था एक ब्राह्मण, उसने 30 दिन की कथा रख दी, 30 दिन, क्योंकि सोचा रोजाना के 10 रुपए आएंगे जो भी 300 रुपए बन जाएंगे चांदी के, लालच लोभ के अंदर। अब उस गांव में श्रोता आते रहे, कथा चलती रही, उस गांव में कुछ दो चार निकम्मे भी थे, उन्होंने देखा ये ब्राह्मण जो है वही यहां गांव में जो है ढोंग कर रहा है, और उन्होंने जिस दिन उसकी कथा का भोग पड़ना था उसी दिन दिल्ली से एक नाचने गाने वाली लड़की बुला ली। जैसे जिस दिन भोग पड़ा उसी दिन उसका रात ने सांग करवा दिया लड़की का। अब उस पंडित जी की पूरे 30 दिन की कथा में तो 30 रुपए आए, और वो चंपाकली नाम की लड़की वह डांस करने वाली आई थी, उसको 500 रुपए एक ही रात में 500 रुपए जो है ना डोनेट हो गए, उस पर प्राप्त हुए। अब पंडित जी सुबह लेकर 30 रुपए चल पड़ा, 30 दिन की मेहनत को चलता चलता कहां पहुंचा, छुडानी गांव में जहां आदरणीय गरीबदास जी रहते थे जो परमात्मा की प्यारी आत्मा थी, वहां पहुंच गए, प्रणाम किया, बैठ गए। आदरणीय गरीबदास साहब ने पूछा क्या और जी ठीक हो, विप्रवर आज कहां से आए, कहां जा रहे हो? तो क्या उनका मनीराम नाम था ब्राह्मण जी का, मनीराम ब्राह्मण, कहने लगे महाराज जी के बताऊं, दुनिया का नाश जाने वाला है, दुनिया तो कति बेकार होली, बस पूछो मत, कलयुग का तो घोर प्रारंभ हो चुका है, कोई इंसानियत रही नहीं, अन्यू ना बताओ बात के बिगड़ रही है, काफी देर होगी। अन्य शिष्य भी बैठे थे, बुरा सा मुंह करें लटक बैठा था, खाने को कहा जी बस कुछ नहीं खाया जाता। तो शिष्यों ने पूछा, दो चार भक्त बैठे थे, सदगुरु क्या बात होगी, ब्राह्मण इतना बुंडा सा मुंह क्यों कर रखा है, ये क्या किस प्रकार मुंह लटकाए बैठे हैं, क्या परेशानी है विपर को? और विपर जी न्यू ना बताओ या बात कैसे बिगड़ी है, क्योंकि परमात्मा ने उस अंतर्यामी थे वो भगवान आदरणीय गरीबदास साहिब जी, उसके सारी कहानी जानकर क्या बताया, फूटी ज्ञान विवेक की भाई अंधा है जगदीश से, चंपाकली को 500 और मनी राम को 30, झगड़ा ये है इनका, ये दुख है इस ब्राह्मण को कि उसकी पैरेलल जो सांग हो रहा था उसमें तो 500 रुपया आगे,
और मनी राम जी को 30 दिन में 30 रुपए मिले, इसलिए ये दुखी हो रहा है। अब न्यू देखे वो विष्णु के कैसे बेरा पेटा, पहले जैसा कोई प्रचार प्रसार का साधन भी नहीं था इतनी, मैं तो सीधा ही आ रहा हूं चरणों में पड़ गया परमात्मा बोले निकम्मे। वो तो नादान थे फिर तन्ने के गाट गाल रखी है, आप अधिकारी नहीं हर दुनिया को ठगते फिर रहे हो। राजा परीक्षित को जब सातवें दिन सर्प ने डसना था, किसी ने कथा सुनाने का साहस नहीं किया क्योंकि वो भगवान से डरने वाले ऋषि थे। निकम्मे तुम तो कति विनाश कर रहे हो, इन बोरी आत्माओं को गुमराह कर रहे हो, तेरे साथ बहुत अच्छा हुआ। राजा परीक्षित को सातवें दिन सर्प ने डसना था, सभी ऋषियों ने यही राय दी कि इनको कोई कथा, ये श्री भागवत सुधा सागर की कथा सुनाई जाए ताकि इसकी वृत्ति यहां से हटकर स्वर्ग में लग जाए और ये इसका कल्याण हो जावे। अब उस समय वशिष्ठ ये वेद व्यास जी जिन्होंने श्री मद भगवत सुधा सागर की रचना की थी, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए कि मेरे बस की बात नहीं, मैं कथा कर दूं, क्योंकि सातवां दिन परिणाम आना था और किसी भी ऋषि महर्षियों ने बिल्कुल हिम्मत नहीं करी, कहने लगे हमारे बस की बात नहीं है कि हम इसके जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। कहते हैं स्वर्ग से सुखदेव ऋषि को राजा परीक्षित के ही उस किराए पर उसी के पुण्यों के आधार से उस किरा दिया और वो विमान में बैठकर स्वर्ग से आए। राजा परीक्षित को उपदेश दिया, अपना शिष्य बनाया, 7 दिन कथा बना कर सुना करके वो स्वर्ग का अधिकारी बनाया। और इब तुम सभी काख में पोथी देकर मैं भी कथा करता हूं, मैं भी कथा करता हूं, तुमने सारा विनाश कर रखा है और स्वयं भी तुम नरक के भागी हो, तुम अधिकारी नहीं हो और केवल कथा से बात क्या बनेगी। मनी राम जी को काफी समझाया, मनी राम जी ने सरेंडर कर दिया, भगवान हमने मेरे से गलती बन गई और मुझे उपदेश दे दो, कल्याण करो मुझ पापी का। उस ब्राह्मण ने अपना जीवन सफल किया। तो पुण्यात्माओं अब कितने गुरु हैं गिनती नहीं है। क्या उस समय इस पृथ्वी पर ऋषियों और गुरुओं की त्रुटि आ गई थी? हाँ आ गई थी, क्योंकि श्री कृष्ण जी दो थे वहां उस समय, श्री कृष्ण जी दो है अधिकारी महापुरुष थे नाम देने के, और उसे उनके गुरुदेव थे दुर्वासा जी। तो ऐसे समय पर एक ही संत विशेष होता है जो आदेश देता। श्री कृष्ण जी के जाने के बाद राजा परीक्षित, श्री कृष्ण जी की मृत्यु के उपरांत राजा परीक्षित जो है अपनी मर्यादा को भंग कर चुका था। वैसे तो पांडव श्री कृष्ण जी के शिष्य थे, जिस कारण से वो अपनी मर्यादा भंग कर चुका था, उसका नाम खंड हो गया था और जिस कारण से उसने वो ऐसी दुर्बुद्धि हो जा हो गई थी, उसने एक ऋषि के गले में सर्प डाला। उसके बाद फिर उसको रीउपदेश दिया गया और कल्याण हुआ। कहने का भाव दास का ये है कि ये जो तत्व ज्ञान से परिचित सब संसार हो जाएगा, फिर ये नकली संत छुपते फिरा करेंगे। अभी हमें नहीं पता कौन अधिकारी है कौन ना अधिकारी। एक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चल सकता ऑथराइज्ड अधिकारी के बिना बना हुआ, और ये हम परमात्मा पाने का लाइसेंस बनवाए बैठे नकली संतों से, क्योंकि हमें पता ही कोई ना नकली और डुपली, असली और नकली का। अब ये नकली और असली का हम स्वयं ज्ञान होगा तभी हम इनसे दूर हट सकते हैं, नहीं तो हमारे दादे पड़दादे चले गए भूत बनवा दिए, भूत पूजवा के, और गीता जी में मना कर रखा कि भूत पूजोगे श्राद्ध निकालोगे तुम भी भूत बन जाओगे, और हमारे से श्राद्ध ही निकलवाए जा रहे हैं। देवी देवताओं की पूजा को मना किया है, तीनों गुणों तक की पूजा को गीता में मना किया है और हमारे से यही पूजाएं करवाई जा रही हैं। तो कहने का भाव यह है कि इन कथाओं से भी लाभ है, पर कब लाभ है? अधिकारी हो और श्रोता में भी श्रद्धा पूरी हो। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं।